नमस्कार, आप देख रहे हैं नवोदय नेशन। मैं हूं दिव्या सिंह शर्मा। अमेठी में जनसभाओं का भरमार चालू है। आइए लोगों से जानते हैं कि अमेठी में लोकसभा चुनाव में किसकी लहर है। विजय का संकल्प लेके चल दिए तो स्वाभिमानी क्षेत्र की रानी जाग जाएगी। जय श्री राम का जोर से लगाओ नारा, सुन के युवाओं की जवानी जाग जाएगी। क्या लगता है लोकसभा चुनाव अमेठी में किसकी लहर? दीदी एक तरफा जीत रहे हैं स्मृति ईरानी जी, चूंकि जो है राहुल जी जब से चुनाव हारे यहाँ दिखाई नहीं पड़े, जबकि उसी जगह दीदी स्मृति ईरानी लगातार जो है अमेठी क्षेत्र में बनी हुई हैं, सबके सुख दुख में काम आ रही हैं, इसलिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत हो रही है। जिस 15 साल वो जीते थे वो कितना दिखाई पड़ते थे? नहीं, उसके बाद भी वो स्पीजी से घिरे हुए रहते थे, हमारी जनता से मिल ही नहीं पाते थे, उनके सुख दुख को वो समझ ही नहीं पाते थे, हेलो और टाटा बाय बाय करके हुए वो निकल जाते थे। जनता के जो है सुविधाओं या समस्याओं से उनको कोई लेना देना नहीं था, इसलिए जनता ने उनको निकाल दिया 2019 में। इस बार उनके नौकर आए हैं जो बता रहे हैं अपने को 40 साल से यहाँ रह रहा हूँ, लेकिन उनको यहाँ के सुख दुख के जनता के बारे में पता ही नहीं है। इनको नहीं दिखाई पड़ा कि जायस और अन्य जगह जो है कहीं विकास कांग्रेस ने दिया ही नहीं। देखिए, जिस क्षेत्र में VIP क्षेत्र बना हुआ था, लेकिन राहुल गांधी ने एक भी काम नहीं किया था। हमारा एक सबसे बड़ा कस्बा है जायस, जहाँ भी कोई भी सुविधाएं नहीं थी, इन 5 सालों में आज बिल्कुल चमचमाने लगा है। लाइट से और सब तरह से, सड़कों से वहाँ का बहुत विकास हुआ। इसके अतिरिक्त कई स्टेशनों का नाम ही परिवर्तन, जो कि बहुत दिनों से हम लोगों की मांग थी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि राहुल गांधी का विकास से कोई मकसद नहीं था। उनसे हम पर्सनली भी मिले कि जाए यहाँ के विकास के लिए कोई रूपरेखा है, तो उन्होंने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। जबकि स्मृति जी लगातार मार्केट मतलब हमारे लोगों के बीच बनी हुई हैं और हम लोगों से सीधे संपर्क में रहती हैं कि कैसे यहाँ का विकास हो। देश की जनता जान चुकी है कि इस राष्ट्र का विकास केवल भारतीय जनता पार्टी के से होगा, मोदी जी के कारण से होगा। सारी सड़कों का कायाकल्प हो गया, सारी रेलवे का कायाकल्प हो गया। सबसे बड़ी चीज़ है कि 4 करोड़ पूरे देश में मकान बने। इन मकानों में बिना रोजगार दिए केवल छड़ी दिखा के कोई नहीं हुआ है। तो कमल खिलेगा? बिल्कुल खिलेगा, बिल्कुल पूरी तरीके से खिलेगा। और यहाँ पे 80-20 का रेशियो है, 80% वोट हम लोग को मिलेंगे और 20% जो नाराज लोग हैं, हो सकता है दूसरी पार्टी, हो सकता है 90-10 का रेशियो। प्रदेश की हमें मोदी जी के बाद दूसरी सबसे बड़ी जीत नजर आ रही है अमेठी विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में। सबसे बड़ा कमल यहीं का रहेगा, जो 400 की माला कमल की जाएगी उसमें सबसे बड़ा अमेठी का कमल रहेगा। कांग्रेस का PM उम्मीदवार है ना राहुल जी, भाग गए यहाँ से। इस पार्टी का कर्ज है सनातनियों पे, हम सनातनी कभी कर्ज रखते नहीं, उतार देंगे, 400 पार करके ही देंगे, निश्चित तौर से देंगे। जो है पार्टियाँ बहुत आई बहुत गई, इसी राम मंदिर पे रोटी सेकना सबका काम था। पहली पार्टी भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने राम मंदिर बनाया, बनारस में बनवाया, सनातनियों के ऊपर एक कर्ज किया, वो कर्ज हम उतारने जा रहे हैं इस बार। विजय का संकल्प लेके चल दिए आप तो स्वाभिमानी क्षेत्र की रवानी जाग जाएगी। जय श्री राम का जोर से लगाओ नारा, सुन के युवाओं की जवानी जाग जाएगी। आप सभी मित्रों का मिला सहयोग यदि 400 पार की जुबानी जाग जाएगी, एक एक पुरुष में दिखाई देंगे श्री राम, एक एक स्त्री में भवानी जाग जाएगी। जो यहाँ लड़ने आए हैं ना, KL शर्मा है, क्या है किशोर शर्मा, वो तो यहाँ भी 15 साल संसदी देखे हैं राहुल जी का, यहाँ कंबल चोरी ही किया है, चुरा के कंबल बेचे हैं, चुरा के, और टोटल कमीशन खोरी के माइनॉरिटी के लिए काम किए हैं, जितना काम किए सब माइनॉरिटी के लिए किए हैं। वो चलना था तब चल गई 65 साल, अब चलने वाला नहीं है। अब सब लोग जागरूक हैं, सब पढ़े लिखे हैं, सब साक्षर, अब कोई निरक्षर नहीं रह गया कि कोई किसी का धौंस सुनने वाला है। सब अपना खाते अपना देखते हैं और अपने मत का उपयोग अपने हिसाब से करेंगे। इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ जो है ऐश गाह बना रखे थे। हम दिल्ली से आते थे, मुंशीगंज गेस्ट हाउस में रुकते थे और वहीं से जो है अपने 4-6 लोगों जो से मिलते थे और वहीं से वापस चले आते। ना कोई विकास से वास्ता, ना किसी लोगों से वास्ता, ना किसी से सुख दुख से वास्ता। रायबरेली में इनकी स्थिति इतनी खराब है कि क्या कहें,
बहन भाई दोनों लोग जो है दरवाजे दरवाजे जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं और ये नहीं बता पा रहे कि हमने क्या किया। वो हर काम किया तो आप वोट मांगो। यहाँ पे जनसभा सजी हुई है, पब्लिक आई है, चाहे राशन हो और चाहे शासन हो, योगी जी से बढ़िया कार्य किसी ने पूरे प्रदेश के अंदर नहीं किया और देश के अंदर मोदी जी से बढ़िया किसी ने किया। पूरा भारत तो एक है, दक्षिण हो या उत्तर हो, तो विभाजन करना तो पुराना काम है कांग्रेस का। आपको क्या लगता है ये विभाजन करके जीतने की कोशिश कर रहे हैं क्या ये लोग? विभाजन करके वो पोलराइज करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जनता इतना जागरूक हो चुकी है, 10 सालों में इतना लाभ मिला है जनता को, सीधा विकास देख रही है और हर गरीब को लाभ मिल रहा है, वो विभाजन करने के चक्कर में नहीं है। जनता एक मुफ्त कमल के बटन दबाने वाली है, यही चीज़ तो अमेठी खूब समझ चुकी है। इसी डर से तो अमेठी लड़ने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ी, वायनाड में लड़े, वहाँ हार का डर सताया तो भागे, अमेठी आने की हिम्मत नहीं, चले गए रायबरेली। तो वो इसीलिए डरे हैं कि अब वोट उनको मिलने वाला नहीं है। और पारिवारिक गढ़ बता के 50 साल 60 साल यहाँ राज किया है, अमेठी को बेवकूफ़ बनाया, छला है सिर्फ अपना बता के, और असल में कुछ किया नहीं है अमेठी के लिए। 15 साल सांसद रहते हुए जिसकी सांसद निधि पूरी तरह खर्च ना हो पाए और लौट जाए निधि, ऐसा सांसद निकम्मा सांसद धरती पर किसी ने देखा नहीं। दोस्तों जो नो द नेशन के व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं, इस तपती धूप में लोग समर्थन देने आए हैं, योगी जी की जनसभा हो रही है स्मृति ईरानी को जिताने के लिए अमेठी में, और पूरे लोकसभा चुनाव का माहौल इन्होंने अमेठी की जनता ने हमें बता दिया है कि कैसा रहेगा। इनका कहना है कि एक तरफ किसानों के लिए काम हुआ दीदी द्वारा, स्मृति जी द्वारा, और दूसरी तरफ किसानों की ज़मीन हड़पी गई थी। एक तरफ 5 साल का विकास है और दूसरी तरफ 15 साल में एक भी चीज़ गिनाने को नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपने देखी हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट में, आप बताइए आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 का वाइब चेक क्या है, कमेंट्स में बताइए। दैट्स मी दिव्या सिंह शर्मा साइनिंग ऑफ ऑन नो द नेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।